मशीन को सही करने वाला पर्सन ही नहीं। चलो आपकी गाड़ी में कोई ना कहीं अंदर से दिक्कत आने लगी है, अंदरूनी दिक्कत आ रही है, तो इस गाड़ी को खोलने के लिए टूल किट नहीं है किसी भी हीरो के शो में। इनकेस अगर आपकी रोड उबड़ खाबड़ हल्की सी टूटी फूटी सी आ गई तो ये बॉडी शेकिंग होने लग जाती है, बजने लग जाती है। एक तो हल्का सा अंदर से आवाजें चालू, एक आवाज और स्पेशली टैंक की तरफ से ना। हाँ, गाड़ी अभी चल के आई है, अच्छी खासी गर्म है। अब आरपीएम गुदगुद बढ़ रहा है इसका। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी ठंडी में ऐसा है। हाँ। गाड़ी गर्म है ना, गर्म है। मैं अभी चला के लेके अभी चला के आई है गाड़ी। ऐसा लग रहा है कि कोई यू कर रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया, घुट रही है गाड़ी। कई बार ना ऐसे जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि पीछे से ना टायर ना ऐसा नहीं लैग खा रहा है। अभी तक का फीडबैक कैसा बोलूं, मिक्सचर बोलूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं या क्या बोलूं, या कंफ्यूजिंग बोलूं? 50-50 बोल दो। अभी तक ऑलमोस्ट XMR 210 पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। ड्रैग रेस ले लो, राइड रिव्यू ले लो, सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को पता भी चल चुकी होंगी। और जो लोग इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं 2024 में, कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे, तो आज मैं इसकी ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करूंगा, इसकी सर्विस का फीडबैक मैं जानूंगा। क्योंकि सर्विस से पहले जो ये गाड़ी थी ना, वो ये सर्विस के बाद नहीं रही। क्योंकि गाड़ी जब मैंने इसका लास्ट टाइम ऑनरशिप लिया था तब गाड़ी चली हुई थी सिर्फ और सिर्फ 300-400। तो गाड़ी क्यों ली, कैसे ली, यही क्यों ली और गाड़ी क्यों नहीं ली, तो उसमें वैसे कुछ क्वेश्चन थे। और छोटा सा एक फीडबैक था, गाड़ी को तकरीबन 2 महीने या 1.5 महीने होने वाले हैं, तो अब एक अच्छा सा फीडबैक निकल के आएगा। और गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है डन, और फर्स्ट सर्विस के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है भाई। ऑलरेडी मैंने पर्टिकुलर चैनल पे वीडियो बना के डाल रखी है, पर मैं ऑनर के मुंह से सुनना चाहता हूं कि सर्विस का फीडबैक कैसा रहा, उनका व्यवहार कैसा रहा, गाड़ी में कितना खर्चा आया, या सर्विस के बाद गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है, या उनका जो डिसीजन था अभी तक का वो ठीक रहा या नहीं रहा। यूट्यूब बोले कह रहे यही इंसान मैं करिश्मा को उठा रहा और यही गिरा रहा है, यही है इसके पीछे का शेयर गिराने वाले बढ़ाने वाले हैं। चलो कैसा संजय भाई? बढ़िया भाई, आप दोबारा से मिलकर खुशी हुई आपसे। हाँ, जब लास्ट टाइम मैंने ऑनरशिप लिया था तब तो 300-400 ही चली थी। हाँ। डेढ़ महीने भी हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, अक्टूबर से डेढ़ महीने समझ है ना, डेढ़ महीने हो गए, 15 तारीख को 1.5 महीने पूरे हो जाएंगे। और फर्स्ट सर्विस भी आपने करा ली, उस समय नहीं कराई थी। फर्स्ट सर्विस का फीडबैक अगर मैं जानूं तो वो कैसा रहा? सर्विस का अगर देखो तो शोरूम पे मेरे को ना अच्छे से गाइड किया था। हाँ। ऑब्वियसली करेंगे यार, इतनी महंगी बाइक ली है। हाँ, और ऊपर से हॉट कंटेंट है। हाँ, यामा उसका तो उसका हीरो का लिया था, मुझे सर्विस में कोई डाउट नहीं आया था। पर जैसे जैसे बाइक चली थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। अच्छा, एक चीज आप और बता रहे थे कि नॉर्मल जो हीरो के सर्विस सेंटर है ना, उनके पास इसका वही नहीं आया। क्या कुछ बताता हूँ मैं, अभी लास्ट टाइम मेरे कोई दिक्कत हुई थी। हाँ, अभी बाइक में दिक्कत होना चालू हुई थी, जो हमारे ना थोड़ी बाइक में ये बज रहा था। ये हिल रहा था बहुत जल्दी। हाँ, चलो ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। हाँ, खैर एक अंदर से हल्की फुल्की आवाज थी। हाँ, थोड़ा वो आरपीएम वगैरह का जो आप बता रहे थे। हाँ, डिले है इसके आरपीएम थोड़े से। ये इन सब चीजों को लेके मैं शोरूम गया था। हाँ, शोरूम पे गया था मैं। शोरूम पे जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई वहाँ पर इस मशीन को सही करने वाला पर्सन ही नहीं। अच्छा, कोई है ही नहीं मैकेनिक? मैकेनिक ही नहीं है, वो मैकेनिक है भी छुट्टी पे चला गया। अच्छा जी, दूसरा अभी तक ना ही बाइक आई। अब बाइक धीरे धीरे आना चालू हुई है। आप कुछ कुछ शोरूम पे आ गई है, कुछ कुछ शोरूम पे आना चालू हुई तो टूल किट नहीं है। टूल किट मतलब इनकेस अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है ना। हाँ। मान लो आपकी गाड़ी में कोई ना कहीं अंदर से दिक्कत आने लगी है। हाँ। अंदरूनी दिक्कत आ रही है। हाँ। तो इस गाड़ी को खोलने के लिए टूल किट नहीं है किसी भी हीरो के शोरूम में। अच्छा जी, अभी तक नहीं है। फिर आपने जिससे गाड़ी ली थी उस वाले शोरूम पे गया? मैं उस पे गया था, उस पे गया तो उसने भी मेरे को यही बताया कि भाई नहीं हो पाएगा। पर बेसिक सर्विस हुई? बेसिक सर्विस तो वो ऑयल वॉयल निकालना और थोड़ा सा ब्रेक सही करना बस। अच्छा, यही। अच्छा। कितना खर्चा आया था? 1100 रुपए का खर्चा आया था सिर्फ ऑयल चेंज में, तो बस 1100 रुपए में। हाँ। एक बेसिक सर्विस हुई जो फ्री वाली मिलती है। हाँ, फ्री वाली सर्विस। चार सर्विस फ्री मिली होंगी ना इसकी? हाँ, दो सर्विस फ्री मिली है, बाकी पेड दो तीन साइड पेड है। वैसे 1100 ना उसमें भी थोड़ा सा कुछ अलग है। 1100 रुपए तो ठीक रहा कि नहीं रहा? सर बताऊं तो मुझे ज्यादा लग रहा था 1100 रुपए। कैसे ज्यादा? इसके लग रहा था कि आपको देखो ना ऑयल चेंज किया, ऑयल के 1100 रुपए। अच्छा, ऑयल और ऑयल फिल्टर हुआ होगा, बस दो चीजें होंगी। एयर फिल्टर भी नहीं होगा तो साफ कर दिया। ये भी साफ कर दिया था, यहाँ पे एयर फिल्टर था वो भी साफ कर दिया। 1100 रुपए तो फिर थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़े बहुत चुभे। जब आपने बताया कि नहीं मेरी तो KTM 390 और उसके SS 1600 रुपए की हुई इसकी, जबकि तो उसमें सारी चीजें डली। मैंने क्या हार ले खरीद ली? हाँ, ये भी है भाई। अच्छा, मान लो अब इसके अंदर हम 500 रुपए और एड ऑन कर देते हैं जो हमारे पेड सर्विस में लगेंगे, और 200 रुपए या 180 रुपए और एड कर लेते हैं। देखोगे ना अगर इनके साथ आपकी सारी सर्विस खत्म हो गई है। हाँ। आप दोबारा इसकी सर्विस करवाना चाहते हो, अगर शोरूम से कराओगे तो वो 2500-2000 समथिंग में हो जाएगी। तो थोड़ी सी महंगी है मेरे को तो ऐसा लगता है ना। 2500 रुपए अगर ले रहे हैं, क्योंकि 2000 के अंदर अंदर हो जानी चाहिए मुझे लगता है। बाकी अगर कोई पार्ट्स अलग से डलते हैं तो उसके अलग पैसे। अच्छा, पता करा था कोई पार्ट्स वगैरह महंगे हैं इसके कि नॉर्मल ही है? अभी ठीक है, पार्ट्स भी नहीं आएंगे मुझे तो लगता है। पार्ट्स में मेरे को बस एक चीज देखने को मिला था, वो फ्रेम वो मिला था स्टैंड, डबल स्टैंड, डबल स्टैंड मेन वाला बीच के अंदर ना पहले डबल स्टैंड लगाया। डबल स्टैंड लगाने के बाद में सर्विस करनी। कितने का था वो? 1200 रुपए का समथिंग बताया। वो तो सस्ता है फिर।
अरे 1200 रुपए का कौन देता है भाई। अच्छा, सर्विस के बाद क्या चीजों मतलब क्या चीजों में सुधार हुआ और किन चीजों में मतलब नहीं सुधार हुआ, ये और बिगड़ गए मतलब? जो देखो, जब से सर्विस हुई ना, तब से थोड़ा सा स्मूथनेस अच्छी है। अच्छा, पर स्मूथनेस के साथ साथ ना, इनकेस अगर आपकी रोड उबड़ खाबड़ हल्की सी टूटी फूटी सी आ गई तो ये बॉडी शेकिंग होने लग जाती है, बजने लग जाती है। एक तो हल्का सा अंदर से आवाजें चालू, एक आवाज और स्पेशली टैंक की तरफ से ना, इधर की तरफ से तो मुझे ये आवाज कर। हाँ, ये यार आपने टाइट भी कराया, ये फिर भी देखो ये अच्छा खासा ढीला हो रहा है। ये देखो बार बार ढीला हो रहा है। वही जो मैंने आपको आरपीएम वगैरह का दिखाया था, एक बार वो लाइव भी दिखा देते हैं, मैंने अपनी वीडियो में एक बार इसमें दिखा देता हूँ आपको। इंजन टेम्परेचर दिखाता है इसमें लिखा हुआ? नहीं नहीं, वैसे नहीं दिखाता। अरे गाड़ी अभी चल गई आई, अच्छी खासी गर्म है। एक तो पहले रेस देनी पड़ेगी। हाँ, रेस देनी पड़ेगी। ये वन सेल्फ है नहीं, अब वन सेल्फ के लिए क्या पता ऐसे होल्ड करके रखूं तब भी नहीं। जो पहले वन सेल्फ थी ना, ये वन सेल्फ थी जब मैं लेके आया था, वन सेल्फ थी। अब क्या है, अब ये देखो ऐसे नहीं होगी। अरे बेशरम, ये तो बेशरम है बेशरम। अब देखने कैसे हो रहा है आरपीएम। अब आरपीएम गुजरा गुजर बढ़ रहा है इसका। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी ठंडी में ऐसा है, गाड़ी गर्म है ना। गर्म है, मैं अभी चला के लेके आया, अभी चला के आई है गाड़ी। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई यू कर रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया, घुट रही है गाड़ी। अब आप लगा लो कि जाम में अगर खड़ी है, अगर हम लोगों ने ऐसे रोक के रखे तो फिर वो पेट्रोल नहीं देता। फ्यूल पंप में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई। कोई लोकल तेल तो नहीं डाला? फ्यूल पंप में दिक्कत आ गई, तेल पूरा कहीं से लोकल नहीं डाला। एक मैंने लोकल खरीद, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली, 3 टंकी डली होंगी बस, नहीं 4 टंकी। बहुत बार डलवा चुका हूं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, टंकी फुल करवा चुका हूं मैं कई बार। एक बार जब गाड़ी ली थी ना, तभी मैंने टैंक फुल करा दिया था, वो चलाया। फिर उसके बाद में मैं गया था। अच्छा, टैंक भी तो छोटा है इसका। हाँ, गुड़गांव गया, फिर फिल कराई। फिर एक दो बार जब गया था, एक बार हम लोग भी जब मिले थे, हाँ तब भी कराई थी, अपने ड्रैग रेस के समय भी कराई थी। 8-9 बार फिल हो गई है। टैंक भी तो छोटा है, माइलेज क्या दे रही है फिर ये? कुछ बड़ी की नहीं बड़ी सर्विस के बाद? 30 की माइलेज मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद 30 की हो पाए। सर्विस के बाद बड़ी नहीं? नहीं बड़ी ना, नहीं मुझे नहीं लग रहा। बस स्मूथनेस में थोड़ा सा फर्क आया। स्मूथनेस है, देखो स्मूथनेस है, वो जब चलाने के टाइम पे पता चलता है कि हाँ भागती है। हाँ, क्योंकि वाइब्रेशन तो बिल्कुल जीरो है गाड़ी में, इसमें तो वाइब्रेशन के नाम में एग्री करना पड़ेगा। अच्छा, टायर का आप बता रहे थे कि टायरों का फीडबैक स्टार्टिंग में ठीक था, अब ऐसा लगता है कि अगर ऑफ रोडिंग या कीचड़ वाली जगह पे ना बहुत फेंकता है ऐसा। अरे बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं भी ये सोच रहा था कि भैया पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। कई बार ना ऐसे जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि पीछे से ना टायर ना ऐसा नहीं लैग खा रहा है। लैग खा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनइवन जगह पे आ जाता है, डर सा लगा रहता है। और इनकेस अगर हम लोग ना कहीं हल्की सी कीचड़ वगैरह सी आ गई तो उस पर बहुत जल्दी फिसलता है ना, बहुत जल्दी ट्रैक्शन खोता है एक तरीके का। अब उसमें भी क्या है ना, अगर फिसलता है ना तो गिरने से बहुत डर लगता है कि अगर गिर गई। कई बार तो पीछे वाला टायर घूमते घूमते चले जाता है इधर की तरफ, पत्थरों पे चलते तो और दिक्कत। अगर फिसल गई ना तो सारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि पूरी फेयरिंग ही है, फेयरिंग है, फेयरिंग टूटी तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। अच्छा, एक चीज आपने और करा दी, ये लास्ट वाली वीडियो में पूरा पोर्शन जो था ब्लैक था, अब ये भाई ने येलो करा दिया, येलो करा रखा, जो बढ़िया लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा। अब वही आप कह रहे थे कि नहीं मिलेगा, नहीं मैंने कैसे ना कैसे ढूंढ के मिल गया, उसे पूरा येलो करा दिया और लैमिनेशन कराई थी इसके ऊपर। वो तो भाई सबको करानी है, हमारे यहाँ धूल मिट्टी अभी आपको पता ही है, धूल कितनी आ रही है, उड़ रही है ऊपर से, तो बेल्ट वगैरह यहाँ पे बेल्ट के निशान बहुत सारे आ जाते हैं। ये देख रहे हो, आ भी रहे तो आ गए, ये बहुत अच्छे आ गए, सही है। अभी बस ये है कि मैंने लैमिनेशन करा रखी है तो उसमें वो कवर हो रहा है। उतारो लैमिनेशन गाड़ी नहीं, चलो पर उतारो के फिर वो चलाओ तो फिर गाड़ी। सस्पेंशन का कैसा फीडबैक है? मेरे को कहीं से कहीं तक का दिक्कत नहीं है सस्पेंशन में, कि नहीं यार कि मुझे अप साइड डाउन वाले नहीं मिले, मुझे इसमें भी आ रहा, क्योंकि पहले भी आप यूएसडी चलाते थे। सॉरी, वो टेलीस्कोपिक चला, टेलीस्कोपिक चला रहा था, उसमें इतना दिक्कत नहीं है, पर अप साइड डाउन नहीं है इतना कोई नहीं है, पर हाँ क्या पता आने वाले टाइम में आ जाए। चलो ये भी चीज़ में छोड़ दिया हो, इसका क्या कहना चाहोगे, इस मीटर जो इतना पागल बनाता है? पर वही है जो हमने अभी स्टार्टिंग होता है कि टूल किट नहीं है उनके पास, नहीं आई है और बंदा है नहीं देखने के लिए। कब तक है टूल किट, कब तक आएगी, कुछ कोई आइडिया नहीं कह सकता, कोई आइडिया नहीं। इनकेस अगर गाड़ी में ज्यादा दिक्कत आती है, आपके शोरूम पे जो बंदे हैं वो तो ठीक कर देंगे, इनके तो अगर ज्यादा कंप्लेन आती है ना तो जो मैन्युफैक्चरिंग हीरो के जो इन्हें करिश्मा मैन्युफैक्चरिंग किया, वही लोग आएंगे इसे सही करने के लिए। अच्छा, पीछे से जिन्होंने इनको बनाया है, इंजीनियर्स हाँ उन्हीं ने। अभी मैं गया था शोरूम में, मेरे को यही बोला उन लोगों ने कि सर अगर हम लोग जितना कोशिश करेंगे, अगर हमसे ठीक होती है, अगर नहीं ठीक होती हम कंप्लेन डाल देंगे आपके आगे, हीरो के जो मेन आप डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके पास आएंगे और खुद गाड़ी ठीक करके देंगे। कब आएंगे भाई वो, इतनी प्रॉब्लम्स तो आई गई। मंडे को डेट मिली है, आप देखता हूँ। चलो, और ये भी उसी चीज़ में टोटल, ये जो अनस्टेबल हो रहे हैं ये सारा बहुत, अब यही चीज़ें कंप्लेन में आ जाएंगी ना तो
मार्केट लेके आएंगे। सही बात है, वरना जितना अच्छा फीडबैक करना मिलता हम लोग ना, हम लोग माने हम ही तो देते हैं और आप ही दोगे यार, इतने टाइम से आप सबसे पहले ऑनर हो, आप चला रहे हो गाड़ी, आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हम लोग खराब इसका दे दे, हम बोल दे हाँ बढ़िया बढ़िया है भाई, गाड़ी एक नंबर है, कोई दस लोग गाली दे, हाँ फिर बाद में जब ले लेंगे ना कार तो भाई साहब वही लोग बोलेंगे इसकी वजह से गलत पड़ गया, इसकी वजह से गलत ले ली हमने गाड़ी, हाँ। इतने उकसाया में लेने के लिए, हाँ। तो अभी ये है कि मैं तो बोलूंगा अभी सेकंड स्लॉट तक रुक जाओ, सेकंड स्लॉट तक ना, सेकंड स्लॉट। अब मान लो देखो ये लिखा ना हीरो, मैं इसे हटा दूं, आप कहीं से कहीं तक पता नहीं कर सकते ये कहीं पे हीरो भी नहीं लिखा, हाँ ये भी है, करिश्मा ही लिखा है हर जगह, एक्समार लिखा बस, या ये तो करिश्मा लिखा है यहाँ पे, या एक्समार लिखा, या यहाँ पे हीरो लिखा है, ये एक्समार लिखा है, अब पूरी गाड़ी पे कहीं नहीं लिखा हीरो, आप पहचान लो गाड़ी हीरो की है, पर ये जो अच्छी सी शक्ल जो आगे से लेके बैठे यहाँ से तो एक्समार की पहचान हो जाएगी, ये तो स्कूटी की है, ये तो जूम है, जूम स्कूटी, पर एक बात है देखो मैं लगी भाई आपको भी बताऊं, आपने बताया था कि ये जूम की मैं देख कर आया था, मैंने वीडियो शूट करी थी अभी शोरूम पे करी है, तो मैंने चेक किया था तो जूम की लाइट इतनी सी है वो, हाँ छोटी सी है, अब उसी को ना वो थोड़ा बल्ब बड़ा करके, वो डिजाइन वही है थोड़ा बड़ा करके इस मॉडल पे क्रिएट किया है। अच्छा एक चीज आपको ऐसा लगा कि जैसे मैंने, क्योंकि पहले तो नहीं अच्छी लग रही थी नो डाउट, ये आगे वाला जो लुक है साइड पोर्शन बहुत अच्छा है, बैक पोर्शन बहुत अच्छा है, आगे से इतनी अच्छी नहीं बनाई, अब आप यूज्ड टू हो गए, मतलब लुक को मामले की हाँ अब एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है और अच्छा भी लगता, अब धीरे धीरे मैं अगर सही बताऊं ना, इस पर कंपेयर अगर मैं देखूं, देखो आरएन भाई से कंपेयर करूं तो आरएन भाई में जितना आपका एक वो छोटा सा बल्ब, हां क्या एलईडी प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप देखो, प्रोजेक्टर दिखाता हूं मैं आपको, देखो लाइट भी पड़ रही होगी, दो हैं इसमें, तो इसमें दो हैं, उस साइज के दो हैं प्रोजेक्ट, एक एरा एक एरा, मतलब विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतनी बड़ी लाइट दी है उसमें ना दें तो खराब होगा। अच्छा एक भाई क्वेश्चन आया था कि ये जब जैसी अगर टनल में जाती है ना, हाँ। तो थोड़ा सा डिले चलता है इसका, ये डायनेमिक हेडलैम्प ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 है ना, नहीं बढ़िया चलता है ना, जैसे अंधेरा आते ही, जैसे अंधेरा हल्का सा भी हुआ ना तो वो तुरंत चालू कर देता है। चलो मेरे में ऐसा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको यूज करा अभी तक एक बार भी बटन दबा के? नहीं मैंने एक बार भी यूज नहीं किया, लगता है यूजफुल का फीचर? यूजफुल भी नहीं लगता, नहीं लगता ना, नहीं मुझे भी नहीं लगता। मैं फीडबैक कैसा बोलूं, मिक्सचर बोलूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, या क्या बोलूं, या कंफ्यूजिंग बोलूं? 50-50 बोल रहा हूं अभी तक, 50-50 जब तक इसके बढ़िया इंजीनियर आके इसको हाथ में लगा लेते, इसके इसके जो एक्चुअल मैकेनिक है ना वो हीरो के बाद में होने चाहिए, वो नहीं है। अब मान लो एज पर कंपेयर अगर आर्मन फाइव से देखें तो उसके जो है ना स्प्रे पार्ट वगैरह मैकेनिक वगैरह सारा कुछ है उसके पास में, अब आप बाइक दिए जा रहे हो, अरे अभी मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, हाँ, जो इंजीनियर लोग आके ट्रेनिंग या बुला के ट्रेनिंग देते हैं वो उनके पास नहीं है नहीं। कि कैसे इसका इश्यू रीमैप करना है या कैसे इसके जो आरपीएम अनस्टेबल है उनको ठीक करना है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाना, बस वही यहाँ से नट खोल के इंजन ऑयल डाल दिया। मेरा जब हुआ था ना, मैं लेके गया था शोरूम में, अभी लास्ट टाइम के लेके गया हूं, तो उन्होंने बस क्या करा जो सेट करने के लिए यहाँ से निकाला सेंसर का, यहाँ पे था ये रहा, इसके नीचे देखो ये इसे निकाला, निकाल के कंप्यूटर में सेट किया, उससे भी सेट नहीं हुआ, कह रहे भैया अभी वो दो दिन की छुट्टी पे गया है मैकेनिक, बहाने बना लिए होंगे, हाँ दो दिन के बाद आएगा और वो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई मुझे तो अभी चाहिए, मैं तो ड्यूटी पर, यार और वो मतलब जिस शोरूम पे आप जाते हैं वो तो हमारे घर से भी अच्छा खासा दूर है, 35 किलोमीटर के आसपास है, 35 किलोमीटर है, मेरे को ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है, हमारे घर के बगल में ही है शोरूम, एक शोरूम घर के बगल में, पर उसमें भी तो उसमें भी ठीक है, स्प्लेंडर की सर्विस नहीं होती, ये थोड़ी सी देखने वाली बात है, मेरे पास में भाई दर्द होता है जब साला आधा तो जो लगता है कि स्प्लेंडर में कहीं यार चोरी ना हो जाए बैटरी, फैमिलियर बाइक है भाई ये हीरो, उसके बावजूद भी इतना दूर जाना पड़ रहा है। चलो ये इंजन ऑयल का इतना इजी इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहीं से खोला यहीं से डाल दिया, ऑयल फिल्टर भी यहीं से डाल दिया। अब देखो ना अभी चलाने के बाद में एक और देखो याद आई, ये देखो इन्हें ढीले हो गए, क्या ढीले पड़ गए कि टाइट है? नहीं ढीले पड़ गए, वाइब्रेशन से किस चीज से? अब ये वाइब्रेशन से तो नहीं हो सकते, तो मैं भी जानता हूँ, इतना वाइब्रेशन भी कहाँ से आ रहा है, ये भी तो देखो, और इस गाड़ी में तो है भी नहीं, वही तो मैं बड़ा मतलब धीरे धीरे अभी इसकी कुछ जो इनके इनके साथ हम लोग मैंने ध्यान नहीं दिया होता ना, मैं रियल फैक्ट बताऊं, ये गिर जाता गिर चुका होता कहीं और मेरा नुकसान था, ये तो ये कंपनी भी वापस नहीं दी, कह रहे सर आपको दिया तो था लगा के आपने गिर दिया, वो क्यों ही देगी नट बोल्ट के थोड़ी ना देती, अरे नट बोल्ट पर भरोसे में तो दिया है, सही बात है, ये पार्ट सिर्फ इतना बड़ा पार्ट ये दो नट पे दिया है तो भरोसे पे लगा के दो ना, और वाइब्रेशन है भी नहीं इस गाड़ी में, तब ये हाल है, ये वाइब्रेशन की वजह से नहीं है, ये वैसे ही नट डील हो रहे हैं। अच्छा ब्रेकिंग में कुछ फर्क आया? में कोई दिक्कत कुछ दिन चलने के बाद? नहीं नहीं ब्रेकिंग मेरे को एक नंबर है, बढ़िया ना, अभी मैं जब नोएडा से चला के लेके आया ना मुझे कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आ रही, ना ही जब खाने में दिक्कत आ रही है और ना ही, बस ये दो ही चीज है, एक मीटर हो गया और एक बिल्ड क्वालिटी में काउंट हो जा रहा है, हाँ ये भी बिल्ड क्वालिटी जो है ना जो बस दो तीन नंबर खा जाती है ना जो ये बिल्ड क्वालिटी खा जा रही है, हीरो ने काम किया ना, थोड़ा तो हो सकता है। चलो बाकी इंडियन ब्रांड है, हम तो फुल चाहते हैं कि भाई इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिले सब लोगों को, सब लोग इंडियन ब्रांड की तरफ जाना प्रेफर करें, आजकल इंडियन ब्रांड में इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं,
पर उसके बावजूद ये जो छोटी मोटी कमियां है ना, ये कंपनी ना करे, या अगर हो भी गई गलती से, या मतलब जो चीजें, हर गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है, बहुत बहुत तो कम से कम अपने, मैं तो भाई देखो मैं तो एक बात यही कहूंगा, आप जब भी वीडियोस देखे जाए, देख रहे हो, ऑडियंस को बोलते हैं भाई आपने तो बात नहीं करा, ऑडियंस से बात नहीं, देखो जब भी आप ये वीडियोस देखते हो या XMR की जो भी हम लोगों ने वीडियोस क्रिएट कर रखी है, तो इसको पूरी देखो, इससे ताकि आपको पता चल जाए कि आप अगर XMR लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी आगे चल के। आप 2 लाख दे रहे हो ना, आप 2 लाख दे रहे हो तो आप 1000 रुपए की भी कमी वहां पर नहीं देकर आओगे, आप शोरूम पे लेकर आए, ठीक है, शोरूम पे आप उसको बोलना कि भाई मेरे को 3000 नहीं दे पाऊंगा, तो आपको गाड़ी नहीं देंगे बिल्कुल नहीं देंगे भाई। और अगर उसी को बोलूं कि 3% की इसमें कमी भी नहीं होनी चाहिए, अगर आप बाइक ले रहे हो तो बाइक के लिए सबसे पहले वीडियो पूरी देखो, पता करो कि क्या क्या सारी कमी आ रही है इसके अंदर, और भाई मिलेगी का सर, यही मिलती है अपने लोगों के पास, इसलिए कंपनी वारंटी देती है, गारंटी नहीं देती। अरे हाँ, यही इनका खेल है, ये सब इस चीज में सबसे ज्यादा खेलती है, मैं आपको सही बताऊं, इस चीज में खेलती है। यार मैं भी सोच रहा हूं वारंटी है गारंटी में मतलब क्या होता है, कह रहा गारंटी है तो प्रोडक्ट हो जाएगा वापस, वारंटी है तो वो ठीक करके देगा, हाँ वो तो कंपनी को, यार मशीन ही है क्या, इतना कुछ तो कह नहीं सकते, इंसान धोखेबाज निकल जाए, ये तो फिर भी मशीन है। चलो, और होप सो भाई, थैंक यू संजय भाई, आपने बहुत अच्छा अच्छा बताया, और जो अभी आफ्टर सर्विस का आपको जो फीडबैक आप लोगों ने देख लिया, अगर पूरी वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी ये वीडियो, और आने वाले कुछ टाइम के बाद जो जो प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेंगी वो ऑलरेडी हमने अभी बता दी है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।